दोस्तों नीट 2020 की एग्ज़ाम 3 मई को है और 3 मई को आपको क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस बार नीट की एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट के मामले में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है चेंजेस। सबसे पहले देखते हैं कि नीट की एग्ज़ाम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें एडमिट कार्ड लेकर जाना है, जो NTA की नीट की वेबसाइट है उसमें 27 मार्च को डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे, जिनमें एडमिट कार्ड पर पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ चिपकाने के लिए स्पेस होगा, उस पर ही आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ चिपकानी है। ध्यान रहे, पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ वही चिपकानी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपलोड की थी। उसके बाद एग्ज़ाम अटेंडेंस शीट में चिपकाने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको साथ में लेकर जाना है। NTA ने इस बार चेंजेस किया है वो ये है कि एक पोस्ट कार्ड साइज़ का कलर फोटोग्राफ यानी कि 4 इंच टू 6 इंच का एडमिट कार्ड पर चिपकाना है। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो दो पेज में डाउनलोड होगा, दूसरे पेज पर पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटोग्राफ चिपका कर आपको परफॉर्मा एग्जामिनर को देना है। 2018 या इससे पहले CBS द्वारा पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटोग्राफ पास्ट करवाया जाता था, मगर 2019 में NTA ने सिर्फ एक ही पेज का एडमिट कार्ड अपलोड किया था, मगर इस साल फिर से पोस्ट कार्ड साइज़ का फोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड के साथ अटेस्टर परफॉर्मा पर पास्ट करना होगा। उसके बाद आपको एक वैलिड फ़ोटो ID कार्ड साथ में लेकर जाना है और वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, कुल मिलाकर आपको एक गवर्नमेंट का वैलिड फ़ोटो ID लेकर जाना है। उसके बाद जो विकलांग है PWD कैटेगरी में किसी भी प्रकार की सुविधा लेना चाहते हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया PWD सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। दोस्तों आपको इतने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है और इसके बिना आपको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिलेगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।